नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। देखते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। पटना गांधी मैदान में कुशवाहा समाज ने आक्रोश मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आरएलएसपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाए। मार्च को राजभवन की ओर जाने से पहले ही पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के पुलिस के साथ झड़प भी हुई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरएलएसपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की उपेंद्र कुशवाहा ने निंदा की है। एनडीए में ऑल इज वेल का दावा भले ही किया जा रहा हो, लेकिन आरएलएसपी के तेवर से बीजेपी हैरान है, तो जेडीयू समझ नहीं पा रहा कि कैसे छोटे भाई यानी उपेंद्र कुशवाहा को समझाया जाए। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नीच शब्द पर अड़ गए हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर पलटवार किया। नीरज कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, श्रवण शक्ति मजबूत होनी चाहिए, वाक्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं लिया जाना चाहिए। नीरज कुमार ने कटाक्ष किया कि पेट दर्द में सिरदर्द की दवा नहीं खानी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि बर्तन रहते हैं तो आपस में टकराते ही हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक है, जो भी परेशानी होगी उसे दूर किया जाएगा। बीजेपी नेता ने विपक्ष पर चुटकी ली और कहा कि विपक्ष दिन में तारे देखता रहता है। आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी उपेंद्र कुशवाहा के बयान बहाने सीएम नीतीश कुमार और एनडीए पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब किसी भी हाल में जेडीयू के साथ आरएलएसपी नहीं रहेगी। जेडीयू का जिला अल्पसंख्यक सम्मेलन आज से 5 दिनों तक। जेडीयू सभी जिलों में करेगी सम्मेलन। अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने की कोशिश, सरकारी योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। जेडीयू के अल्पसंख्यक सम्मेलन पर आरजेडी का हमला। एमएलसी सुबोध राय का बयान, बहरूपिया है जेडीयू, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है जेडीयू, अल्पसंख्यक समाज इनके बारे में समझ चुका है। तेजस्वी यादव पिता से मिलने रांची के रिम्स पहुंचे और लालू यादव से मुलाकात की। तेजस्वी के साथ उनके बहनोई और बहन भी मौजूद थे। इससे पहले तेजस्वी ने मीडिया से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पटना में आरजेडी ने एक बार फिर पोस्टर के जरिए विरोधियों को ललकारा है। शहर में धर्मेंद्र मुखिया की ओर से लगाए कई जगह पर पोस्टर। पोस्टर में तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का फोटो है, जिसे त्रिदेव का नाम दिया गया है और लिखा गया है विरोधियों का सर्वनाश करेंगे त्रिदेव। जरूरत से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों को विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने बड़ा मैसेज दिया है। विजय चौधरी ने कहा कि नीड और ग्रीड को समझने की जरूरत है। जिनके पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति है वो ये ना समझें कि ये संपत्ति उनकी है, बल्कि जरूरत से ज्यादा संपत्ति समाज की होती है। पटना में प्रशांत किशोर से सांख्यिकी स्वयं सेवक के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। प्रशांत किशोर ने सबको मिलने के लिए बुलाया है। स्वयं सेवकों की कई तरह की मांग लेकर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि सरकार हमारे 2 जून की रोटी का जुगाड़ करे। 3 साल की सेवा के बाद स्वयं सेवकों को हटाया गया, जो गलत है। कैम्बूर में जिला परिषद सदस्य राम सेवक चौरसिया की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें जिला परिषद राम सेवक चौरसिया होटल में अनजान लड़की के साथ कमरे में बंद दिखाई दे रहे हैं। लड़की के हाथ में शराब का ग्लास दिखाई दे रहा है। वायरल तस्वीर में लड़की नेताजी को अपने हाथों से शराब पिला रही है। पटना में थूक फेंकने को लेकर दबंगों ने 2 लोगों की जमकर पिटाई कर दी, जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि आरोपी केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। जहानाबाद में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी, घायल को रेफर किया गया। घोसी थाना क्षेत्र की घटना, पुलिस मामले की जांच में जुटी। छठ पर्व को लेकर जालसाज भी सक्रिय हो गए। दरअसल पुरुष और आदमियों के वेश में कुछ लोग छठ व्रती बनकर लोगों को ठग रहे हैं। गोपालगंज को NH-85 इन दिनों शराबियों का अड्डा बना हुआ है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी होती है। मधेपुरा जिले के उदा किशनगंज में स्वास्थ्य केंद्र में कुछ असामाजिक तत्वों ने शराब के नशे में धुत होकर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट की। इसमें अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने डॉक्टर की जान बचाई। डॉक्टरों का कहना था कि आरोपी इंजरी रिपोर्ट में हेराफेरी करने का दबाव बना रहे थे, जिसका वो विरोध कर रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पटना सिटी में आग ने जबरदस्त तबाही मचाई है। एक मोबाइल कंपनी के बंद पड़े 3 गोदामों में भीषण आग लग गई है। पहले 2 गोदामों में आग लगी, फिर देखते ही देखते इसने 3रे गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया।
भोजपुर में लक्ष्मी जी की मूर्ति विसर्जन के दौरान हवाई फायरिंग हुई जिसमें युवक की गोली लगने से मौत हो गई। नवादा थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव का है मामला। पटना में बाइक चोर गिरोह का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। दवा कारोबारी की स्कूटी को चोरी कर लिया गया है। चोरी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नालंदा के हरनौत बाजार में चलती कार में अचानक आग लग गई। हालांकि कार में सवार लोग बाल बाल बच गए और समय रहते कार से निकलने में कामयाब रहे। दानापुर में डीजे बजाने को लेकर दो गुटों में मारपीट। पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के विरोध में महिलाओं का हंगामा। महिलाओं ने थाने का घेराव किया। मनेर थाने के स्माइल स्लामगंज का मामला। पटना सिटी अनुमंडल के फतुहा थाना क्षेत्र के नथुपुर गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई जबकि पिता गंभीर रूप से झुलस गया जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना के विरोध में गुस्साए लोगों ने फतुहा पावर हाउस के पास शराब को रखकर जमकर हंगामा किया। बांका के पंजुआरा पुलिस ने एक लुटेरे सोनू यादव को गिरफ्तार किया है। सोनू धोरैया मार्ग पर 24 तारीख को लूट की वारदात में शामिल था। इस वारदात को 5 अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया था। हाजीपुर सरदेई इलाके में आपसी रंजिश में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात को कुम्हरकोल गांव में अंजाम दिया गया। भागलपुर सदर क्षेत्र के बरारी थाने के कटहल बाड़ी में अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह आपसी विवाद बताया जा रहा है। सुपौल में 27 बोरे में बंद नेपाली शराब का जखीरा जब्त। आपदा प्रबंधन विभाग की बोर्ड लगी गाड़ी से शराब जब्त। गाड़ी पर अपर समरहर्ता के नाम का लगा था बोर्ड। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार। चपरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास लूटपाट के दौरान अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान गड़खा थाना क्षेत्र के अलोनी गांव निवासी विक्की कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि छपरा से 10 से 12 लोग एक ऑटो पर सवार होकर गड़खा जा रहे थे। इस दौरान अज्ञात अपराधियों ने ऑटो को रोककर लूटपाट शुरू कर दी और विरोध करने पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान गोली विक्की को लग गई जिसके बाद अपराधी फरार हो गए। लोगों की मदद से उसे सदर अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी शुरू कर दी है। बेगूसराय में छठ पूजा की तैयारी के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर मिट्टी काटने का काम कर रहा था। इसी दौरान मिट्टी धस गई जिसमें दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। यह हादसा मझौल थाने के बेलाडी बहियार में हुआ है। 32 साल के टुनटुन की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मृतक की 6 महीने पहले शादी हुई थी। विक्रम प्रखंड के दुल्हन बाजार थाना क्षेत्र के डोरवा मठिया गांव में दबंगों ने एक शख्स की लाठी डंडों से पीट पीट कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित शख्स गुरारू पासवान पर दबंग जबरन काम करने का दबाव बना रहे थे। जब उसने इनकार कर दिया तो उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। बाद में घायल अवस्था में उसे खटिए पर लाद कर दुल्हन बाजार ले जाया गया जहां पुलिस ने उसे पीएचसी में भर्ती कराया है। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। दुलाइन बाजार थाना क्षेत्र के खपुरी गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से एक किसान के घर में आग लग गई। लोगों के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। पीड़ित परिवार ने अंचल अधिकारी और पंचायत के मुखिया की मदद से गुहार लगाई है। जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे में बाइक पर बैठा दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बक्सर में मरीज बनकर आया असामाजिक तत्वों ने सदर अस्पताल की इमरजेंसी सेवा में तैनात डॉक्टरों पर कर्मचारियों से जमकर मारपीट किया। अस्पताल कर्मियों ने बताया कि बाइक सवार 6 आदमी इलाज के लिए अस्पताल में हथियारों से लैस होकर आए और डॉक्टरों और कर्मचारियों से मारपीट करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। कैमूर के मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। शव को खुले में छोड़ दिया गया है। कुत्ते शव के आसपास मंडरा रहे हैं लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अस्पताल परिसर में आवारा कुत्तों को भगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं।
पटना के चिड़ियाघर में बड़ी घटना हुई है। पिंजड़े का बल्ब बदलने के दौरान गेहूं सांप ने सपेरे मदन को डस लिया, जिससे मदन की हालत बिगड़ गई है। मदन का इलाज पीएमसीएच के आईसीयू में चल रहा है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी ने वहां पर ली। पटना में दो बाइकों की आपस में टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिर गए, लेकिन अस्पताल जाने के बजाय वो मौके पर अपना बैग छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि जांच में बैग में शराब बरामद की गई है। ऑयल टैंकर कंपनी के टेक्नीशियन के पद पर ईरान में काम कर रहे रोशन का शव पैतृक गांव औरंगाबाद के ओडिया पहुंचने पर इलाके में कोहराम मच गया। रोशन की मौत पिछले महीने की तारीख को ऑयल कंपनी में गैस रिसाव की चपेट में आने से हुई थी। परिजनों ने जनप्रतिनिधि से लेकर विदेश मंत्रालय तक ईरान से शव लाने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद शव को भारत लाया जा सका। शव पहुंचने के बाद गांव का माहौल गमगीन है। भोजपुर जिले के 46वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सुपौल में 50 लाख की लागत से बनकर तैयार आयरन रिमूवल प्लांट हाथी का दांत साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि पहले नल से पानी की सप्लाई हो रही थी, उसमें भी भारी मात्रा में आयरन था। अब तो 4 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। बाढ़ में कार्तिक महीने में गंगा के पवित्र स्नान करने को लेकर अलखनाथ उमानाथ समेत कई गंगा घाटों पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़। पहली बार बाढ़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में भारी भीड़ उमड़ रही है। इस महोत्सव में बाढ़ की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कलाकारों ने मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पर कल्पवास मेले के दौरान गंगा की महाआरती कार्यक्रम चल रहा है। बनारस से आए पंडितों की ओर से गंगा तट पर गंगा की महाआरती की जा रही है। विक्रम प्रखंड के कई जल स्रोतों में मां काली की प्रतिमा का गाजे बाजे के साथ विसर्जन किया गया। प्रतिबंध के बावजूद डीजे पर लोग थिरकते रहे। विधि व्यवस्था में लगे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में डीजे बजता रहा। आस्था के आगे प्रशासन का आदेश बेअसर रहा। औरंगाबाद के अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। लोगों ने कवि सम्मेलन का खूब आनंद उठाया। हास्य कविताओं से माहौल खुशनुमा हो गया। कवि सम्मेलन का आयोजन कायस्थ सभा महासभा ने नगर भवन में कराया था। सम्मेलन में बिहार, झारखंड, यूपी और मध्य प्रदेश के कवियों ने कविताएं प्रस्तुत की। रांची के रेनपास में सीएम कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया गया। सीएम रघुवर दास और रतन टाटा ने कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर की नींव रखी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने टाटा ट्रस्ट को 23.5 एकड़ जमीन 30 साल के लिए लीज पर दी है। पीपीपी मॉडल पर इस अस्पताल का निर्माण होगा। इस अस्पताल में 50% बेड झारखंड के लोगों के लिए आरक्षित होंगे। जामताड़ा में नाराज ग्रामीणों ने विधायक इरफान अंसारी का पुतला जलाया। ग्रामीणों ने चेंगिया डी में विधायक के खिलाफ नारे लगाए। ग्रामीणों ने विकास कार्यों में उपेक्षा का आरोप विधायक पर लगाया। रांची रेलवे स्टेशन पर आज फिर लोगों का हंगामा देखने को मिला, जहां तत्काल टिकट के लिए सही लेकिन टोकन नहीं मिलने से नाराज लोगों ने रिजर्वेशन काउंटर पर जमकर बवाल काटा। रांची में आरपीएफ ने रेलवे टिकट की ब्लैकमेलिंग के आरोप में एक युवक को हिरासत में लिया। चुटिया थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। टिकट की अवैध बिक्री को लेकर गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र के रहमत नगर में पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर करीब 1 ट्रक डोडा बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। लातेहार जिले के महुआ डांड के ओरसा पंचायत में भोज के दौरान हुई मारपीट में 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायल अवस्था में दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां भोगा बड़ाइक नाम के शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक युवक का इलाज जारी है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। धनबाद थाना क्षेत्र के दहिया में एक बस ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो एक दुकान में घुस गया और ऑटो में सवार करीब 6 लोग घायल हो गए। इनमें से एक यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद इस बस चालक मौके से फरार हो गया है। चतरा के टंडवा में हाथियों के झुंड घुस जाने से ग्रामीण दहशत में है। इसके लिए लोग रज्जोगा कर रहे हैं और मशाल जलाकर हाथियों को खदेड़ा जा रहा है। खबर हजारीबाग से। हजारीबाग में सदर थाना क्षेत्र के बुड़वा महादेव परिसर से अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तमाड़ से जेसीबी समेत 3 जीन जलाने के आरोप में
दो संदिग्ध पीएलएफआई उग्रवादियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके साथ ही पीएलएफआई के एरिया कमांडर प्रभु सहाय बोदरा समेत अज्ञात उग्रवादियों के खिलाफ तमार थाने में मामला दर्ज किया गया। जमशेदपुर में एक कार और ऑटो में आग लग गई। सड़क किनारे खड़ी थी कार और ऑटो। आग लगने से स्थानीय लोगों में बना बन रहा है डर का माहौल। जमशेदपुर से कोलकाता के लिए हवाई सेवा शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव आरएन चौबे ने सुनारी एयरपोर्ट का जायजा लिया। समाज कल्याण मंत्री आज सरायकेला पहुंचे और साहित्य सभा में शिरकत की। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड में बीडीओ रोशन कुमार ने मनरेगा योजना को लेकर बैठक की। बैठक में बीपीओ इंजीनियर मुखिया और रोजगार सेवक शामिल हुए। उत्तर बिहार के छठ पूजा को लेकर मोतिहारी में प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मोती झील पर बने घाटों पर साफ सफाई के साथ ही लाइटिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। छठ घाटों पर एहतियातन एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया जाएगा। राजधानी पटना छठ के रंग में रंग रही है। न सिर्फ बाजारों में छठ के सामानों की भरमार है बल्कि अब शहर के चौराहों पर भी महापर्व छठ पर नया लुक दिया जा रहा है। छठ पर्व की तैयारी अंतिम चरण में है। घाटों तक पहुंचने वाले व्रतियों को सुखद एहसास हो इसके लिए स्मार्ट सिटी पटना और पटना नगर निगम की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं। पटना के घाटों को मधुबनी पेंटिंग्स के जरिए सजाया गया। भोजपुर में कलेक्ट्री तालाब छठ घाट का सबसे अनोखा उदाहरण है। इस घाट का अपना अलग महत्व है। ये घाट आपसी सौहार्द का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। लखीसराय में घाटों की सफाई का काम किया जा रहा है जिसका जायजा पुलिस अधीक्षक ने लिया। एसपी ने खुद घाटों की सफाई भी की। सिमडेगा शंख नदी घाट पर छठ को लेकर तैयारी जोरों पर है। साफ सफाई के साथ घाटों की मरम्मत की जा रही है। इसके साथ ही लाइटिंग का भी इंतजाम किया जा रहा है। छठ महापर्व के शुरू होते ही सूपर दौरे की बिक्री तेज हो जाती है। तूरी जाति और आदम जनजाति के परिवार सूप दौरा बनाने का काम करते हैं। छठ के मौके पर इससे जुड़े लोगों की अच्छी कमाई होती है। सिमडेगा में उपायुक्त ने छठ घाट का निरीक्षण किया। शंख नदी और पालमाड़ा नदी के संगम में छठ पूजा समिति के साथ साथ उपायुक्त जटाशंकर चौधरी ने शंख नदी स्थित छठ घाट का निरीक्षण किया। साहिबगंज में महापर्व छठ की बड़ी धूम देखने को मिल रही है। इसको लेकर साहिबगंज के सभी गंगा घाटों पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। साहिबगंज जिला मुख्यालय से सटे नौ घाट और राजमहल बरहावा के घाटों में तैयारी शुरू हो गई है। लोक आस्था का महापर्व छठ कल से शुरू हो रहा है। चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। छठ पर्व के दौरान सूप दौरा और पंखे की मांग बढ़ जाती है। इसी मांग को पूरा करने के लिए राज्य के सभी कारीगर इस काम में जुट जाते हैं। पलामू जिले के सरहुआ हीसरा और नवाडीह गांव में करीब 100 तुरी परिवार सूप दौरा और हाथ का पंखा बनाने का काम करते हैं। ये लोग महाजन से पैसे उधार लेकर कारोबार करते हैं। इस वजह से इन लोगों को ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता। गोड्डा के मुफस्सिल थाना इलाके में समधन ने समधन को डायन कहने पर पीट दिया। पोल से बांधकर जमकर पिटाई की जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में चौथी बार कमल खिलाने के लिए अमित शाह ने जारी किया अटल संकल्प पत्र। नवा छत्तीसगढ़ बनाने के लिए जनता से किए वादे। छत्तीसगढ़ में अटल संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया गया है। कई नए वादे किए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा छत्तीसगढ़ देश में सबसे विकसित राज्य बना। नक्सलवाद पर लगाम लगाई गई। अमित शाह ने कहा पिछले 15 साल के कामों से छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आया है। नक्सलवाद पर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। कहा जिस पार्टी को नक्सलवाद में क्रांति दिखाई पड़ती हो वो पार्टी छत्तीसगढ़ का भला नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ के लोरमी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं होती तो छत्तीसगढ़ के लोगों को उतने आवास नहीं मिलते जितने आज मिल रहे हैं। नक्सलवाद पर भी सीएम योगी ने कांग्रेस को घेरा। कहा अपने हितों के लिए कांग्रेस ने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस ने राजनीतिक फायदे के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन। कांकेर की जनसभा में राहुल ने पीएम मोदी पर लगाए कई आरोप।
राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कहा मोदी जी भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ पर चुप्पी साध लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 5000 करोड़ के चिटफंड घोटाले का आरोप लगाया, कहा 310 FIR होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में PDS घोटाले का भी आरोप लगाया, कहा राज्य की जनता ने 36000 करोड़ रुपए के लूट लिए गए। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के CM पर भी घोटाले का आरोप लगाया, CM और उनकी पत्नी के डायरी में आए नाम का जिक्र किया। छत्तीसगढ़ के CM रमन सिंह ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, कहा महिलाओं को 2 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त कर्ज दिया। विधानसभा चुनाव से पहले CM रमन सिंह का ऐलान, कहा छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने वचन पत्र का जारी घोषणा पत्र नाम से जारी किया, युवा किसानों पर फोकस। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की, BJP पर लगाया माफिया राज चलाने का आरोप। किसानों के बिजली के बिल आधा करने का भी कांग्रेस ने वादा किया, मेक इन मध्य प्रदेश का भी वादा किया। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के हर जिले के टॉपर्स को मुफ्त लैपटॉप देने का भी वादा किया है, हर परिवार में एक बेरोजगार को 10000 देने का भी वादा किया। भोपाल में घोषणा पत्र जारी करते वक्त कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह मंच पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कोला वादों का पिटारा, हर वर्ग के लिए घोषणा की, किसानों का कर्ज माफ करने का भी वादा किया। ICC महिला T20 विश्व कप में भारत ने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 34 रनों से हराया, भारत के 94 रन के जवाब में न्यूजीलैंड ने बनाए 160 रन। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बनाया शतक, 51 गेंदों में बनाए 103 रन, बनी T20 में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला। चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में वेस्टइंडीज टीम ने नेट प्रैक्टिस की, कल है भारत से T20 मैच। आर्थिक संकट से जूझ रही है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, भुवनेश्वर में होने वाले वर्ल्ड कप में भाग लेने पर सस्पेंस। TV शो में साथ नजर आएंगे सलमान शाहरुख, सलमान के शो में फिल्म जीरो के प्रमोशन के लिए आएंगे शाहरुख कटरीना। इन खबरों के साथ ही 100 शहरों की 100 खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक और अहम खबर आपको बता देते हैं।